नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। पूरी दुनिया की निगाहें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में आयोजित ब्रिक्स के 15वें समिट पर टिकी हुई थी। उसमें भी सभी के दिमाग में यही बात चल रही थी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस मंच पर क्या बोलेंगे। ब्रिक्स के भविष्य और विस्तार के नजरिए से 22 से 24 अगस्त के बीच आयोजित जोहान्सनबर्ग समिट का महत्व काफी ज्यादा था। ब्रिक्स का विस्तार कैसे होगा और किन मानकों पर नए देशों का इस समूह में प्रवेश होगा, इस पर पिछले कई महीनों से लंबी बहस भी चल रही थी। इस तरह का परसेप्शन भी बनाया जा रहा था कि भारत ब्रिक्स के विस्तार के विरोध में है और इस वजह से भी ब्रिक्स में बाकी देशों के साथ ही अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से भारत का पक्ष जानना चाहती थी। तो आइए सुनते हैं 15वें ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का संबोधन। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड शेपिंग द फ्यूचर। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। अफ्रीका को भविष्य का ग्लोबल पावर हाउस बनाने की यात्रा में भारत एक विश्वसनीय साझेदार है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। के मून मिशन को लेकर के हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं। दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जात की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द सोशल राइज।